बड़ा विराट कोहली को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मुकाबला मोहाली के ग्राउंड पर खेला जा रहा है और इस मुकाबले में विराट कोहली ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है। और इस मुकाबले के लिए वीरेंद्र सहवाग ने विराट कोहली को सलाम ठोका है और बयान दिया। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं वीरेंद्र सहवाग विराट कोहली के बारे में क्या कहा, लेकिन उससे पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है बेहतरीन कप्तान, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला मोहाली के ग्राउंड में खेल रही है, जहां भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मुकाबले में हारने के बाद टेस्ट की कप्तानी से इस्तीफा भी दे दिया था, जिस कारण से रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है। तो वहीं विराट कोहली का ये 100वां टेस्ट मुकाबला और इस मुकाबले में विराट कोहली बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहेंगे। तो वहीं भारतीय टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अपनी प्लेइंग 11 में 6 बल्लेबाज, 3 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाजों के साथ भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा उतरे। और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मयंक अग्रवाल के साथ पारी की शुरुआत की और दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी की, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा 29 रन बनाकर और मयंक अग्रवाल 33 रन बनाकर आउट हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर हनुमा विहारी और विराट कोहली मौजूद हैं और दोनों ही बल्लेबाज शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें लंच के समय तक विराट कोहली 15 और हनुमा विहारी 30 रन बनाकर नाबाद है और भारतीय टीम का स्कोर लंच तक 109 रन 2 विकेट के नुकसान पर है। और विराट कोहली ने इस मुकाबले में शानदार शुरुआत दी है, जिसमें विराट कोहली ने अभी तक सिर्फ एक चौका लगाया और वो चौका राउंड द विकेट खेलकर स्ट्रेट ड्राइव किया, जो पहले दिन का सबसे बेहतरीन चौका भी रहा। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने विराट कोहली की बल्लेबाजी पर बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए विराट कोहली ने पूरे टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट में अलग ही ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य विराट कोहली ने किया था। अब कोहली के ऊपर कप्तानी का बोझ न होकर सिर्फ बतौर खिलाड़ी की भूमिका रहेगी, जिसमें भारतीय टीम के लिए विराट कोहली एक ऐसा प्रदर्शन करना चाहेंगे भारतीय क्रिकेट ध्यान रखे। और भारतीय टीम के बेहतरीन टेस्ट प्लेयर विराट कोहली अपना 100वां टेस्ट मुकाबला खेल रहे हैं और इस मुकाबले को विराट कोहली बहुत ही ज्यादा मजेदार और यादगार बनाना चाहेंगे, चाहे विराट कोहली इस मुकाबले में अर्धशतक जड़े या फिर शतक जड़े, लेकिन उन्हें इस मुकाबले में एक ऐसा प्रदर्शन करना होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाए। और शतकों का सूखा जो पिछले 2 साल से चला रहा है, उस पर भी भारतीय टीम के बेहतरीन खिलाड़ी विराट कोहली अंकुश लगा दे और अपने मुकाबले को यादगार बना दे। और शायद ऐसा हो भी जाए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से शानदार शुरुआत करी है, उसे देखते हुए विराट कोहली पर पूरा भरोसा हो गया है कि वो एक बेहतरीन पारी खेलेंगे, क्योंकि उनका लंच तक लगाया हुआ एकमात्र चौका था वो बहुत ही शानदार था और वो खिलाड़ी के स्तर को बताता है। और विराट कोहली की बेहतरीन पारी खेलने की उम्मीद भारतीय क्रिकेट में जगती रहेगी। दोस्तों, पहले टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली कितने रन बना सकते हैं, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।